नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों यहाँ पे छह फैक्टर मार्केट को इम्पैक्ट करने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये सारे फैक्टर आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हॉलीडे भी ज़्यादा हैं, 3 दिन तो बाजार बंद ही रहेगा और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आपको सेम डे पे देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपके लिए फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है Q4 अर्निंग, और देखिएगा इसके साथ 6 फैक्टर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा जो अमेरिका से देखिएगा अपडेट आ रही है, और अमेरिका में जब फेड की तरफ से अपडेट आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी फेडरल रिजर्व की, और आपको पता है FOMC मीटिंग के बाद मार्केट में आपको डाउनफॉल भी देखने को मिला था। तो अब फिर से देखिएगा यहाँ पे फेड आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और फेड आपको जब आएगा तो उसकी लास्ट मीटिंग देखिएगा ऑफ द US फेड रिजर्व जो आपको देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए देखने को मिली थी, तो वो आपको उसके मिनट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टर विल ट्रैक द मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द US फेड रिजर्व विच विल बी रिलीज्ड ऑन April 10th। तो आप समझ सकते हैं कि 10 अप्रैल को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, 8 अप्रैल को आपको पता है मार्केट खुलेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11 अप्रैल को मार्केट बंद है। तो यहाँ पे आपकी जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो दोनों ही इसी दिन होगी, यानी कि 10 अप्रैल को। तो बुधवार को ही आपको देखेगा बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, और बुधवार को ही आपको निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी। अब उसी दिन देखेगा फेड भी अपने मिनट्स में, चूंकि आपको पता है कोई भी डेटा फेड के फेवर में नहीं आया, चाहे वो ISM का डेटा हो, चाहे वो GOLT का डेटा हो, चाहे वो जॉब का डेटा हो, चाहे वो कोई भी डेटा हो, वो सारा डेटा देखेगा यहाँ पे खराबी आया है। तो फेड उस पर क्या बोलेगा ये आपको पता चलेगा 10 अप्रैल को। तो इसलिए आपकी एक्सपायरी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा अब पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन केवल एक चीज की बन रही है, इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आएगा। चूंकि आप देख सकते हो क्रूड के प्राइसेस $90 प्लस हैं, गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, मेटल सारा ऑल टाइम हाई पर है, और अभी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन रोज हाई अलर्ट पे बढ़ती जा रही हैं, जिससे देखिएगा जो कॉस्ट ऑफ देखिएगा ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो चाइना रिलीज करेगा अपना कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा, ये डेटा आपको लाइव मार्केट में देखने मिलेगा, लेकिन ये भी सेम डे पे देखने मिलेगा 10 अप्रैल को, यानी कि जिस दिन आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो आप समझ सकते हैं ये भी डेटा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OPEC आने वाला है। OPEC इस चीज़ का फायदा उठाएगा कि जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं इनको किसी भी तरीके से डाउन ना होने दिया जाए। तो OPEC जैसे ही आएगा तो आपको पता है पेट्रोल के और क्रूड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये बहुत देखिएगा पॉसिबिलिटी है कि OPEC क्या करेगा सप्लाई को और टाइट करेगा। जितना सप्लाई टाइट होगी क्रूड ऊपर की तरफ बना रहेगा, और जितना क्रूड ऊपर की तरफ बना रहेगा उतना ज़्यादा मार्केट पे प्रेशर भी बना रहेगा, क्योंकि आपको पता है महंगाई को क्रूड के बढ़े दामों के साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। US के पास भी इतने रिजर्व नहीं है जितने पहले निकल रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो सप्लाई यहाँ पे टाइट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे अर्निंग्स आने वाली हैं IT कंपनीज की, तो अगर एक भी अर्निंग इन टॉप कंपनीज में से एक भी अर्निंग अच्छी आ जाती है तो पूरा निफ्टी IT जो पूरे निफ्टी 50 को सेकेंड सबसे ज़्यादा वेट देता है, सबसे ज़्यादा देखिएगा सपोर्ट करता है, तो वो एक अच्छे बेटर परफॉर्मेंस में आएगा। अगर एक भी कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं तो आपको पता है निफ्टी IT फिर परफॉर्म करना छोड़ देगा, और उसका इम्पैक्ट भी आपको निफ्टी 50 पे देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रिगर्स हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ 8 अप्रैल को एक और ट्रिगर है जो आपको पता होना चाहिए कि 8 अप्रैल को कई सारे वोलेटिलिटी और देखिएगा जो ये पूरे हॉलीडे का इम्पैक्ट है, यानी कि US ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो मल्टीपल इवेंट हैं
ये स्टॉक मार्केट को हिट करने वाले हैं आपको कब, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में। तो बी रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच।